हेलो गाइस, कैसे हैं? चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो में कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन हो सकता है, उसके क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। देखिए, जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव हमारी क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि आपका देखिए 50,830 के समथिंग, ठीक है। और जो हम देखिए अपने पॉइंटों के साथ ऊपर की साइड क्लोजिंग देने में कामयाब हुए, वो इस जगह देखिए 435 पॉइंट के आसपास हम ऊपर की साइड इस जगह क्लोजिंग देने में कामयाब हुए। अब देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटर डे में इसका जो हाई था वो ऑलमोस्ट देखिए आपका 51,000 के समथिंग का हमको देखने को मिला था। अब देखिए, कल मैंने वीडियो में आपको क्या बोला था और आज की जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोजिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट एक चीज़ बताया था कि अगर ये आपका 50,500 के ऊपर निकलता है और 50,500 के ऊपर अगर मैं इस जगह बात करूँ 15 से लेके आपका जो 30 मिनट के कैंडल होते हैं वो अगर हमको क्लोजिंग देखने को मिल जाती है अपसाइड, यानी जो आपकी कैंडल है उस कैंडल का देखिए लो आपका नीचे की साइड और इसका क्लोजिंग अपसाइड के ऊपर, ठीक है। यानी टोटल हमको जो इस जगह कैंडल चाहिए था वो बुलिश कैंडल चाहिए था। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि जो आपका देखिए एक चैनल बना हुआ था, यानी एक बॉक्स के अंदर देखिए जो बैंक निफ्टी काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, उस बॉक्स के अंदर का देखिए आज का जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लोग ट्रैप क्यों होते हैं ये मैं आपको आगे 5 मिनट के चार्ट पर समझा दूंगा, लेकिन इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए जो 5 तारीख की देखिए जो सेलिंग हुआ था उसका अगर आप लो देखोगे तो यहाँ पे देखने मिलेगा, फिर इसी बॉक्स के ऊपर देखिए हमको तेज़ी दिखाई दी, फिर देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग देखने वाला, फिर देखिए आपको तेज़ी आया, फिर सेलिंग आया, फिर आपको देखा तेज़ी देखने वाला। यानी अगर आप देखो तो जो बैंक निफ्टी इसी बॉक्स के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, और इसमें ज़्यादातर लोग ट्रैप क्यों होते हैं, ज़्यादातर लोग देखिए जो बाइंग करना चाहते हैं वो हमेशा बाइंग ही नहीं कर पाते, ठीक है। और कल भी देखिए काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मार्केट गिरेगा, मार्केट में ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ देखिए मैंने वीडियो भी देखा था, वहाँ पे बात किया जा रहा था डेटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, डेटा में आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको बचना कैसे है ये मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो बिल्कुल पूरा देखिए। और आज मैं बाहर आया हुआ हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ आज, तो आप मुझे बताइए कि मैं किस सिटी में हूँ वो आपको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मैं इस जगह बताना चाहूँगा कि जो मैंने यूट्यूब चैनल पे बताया था कि देखिए कल सेलिंग भी आया था लेकिन मैंने आपको बोला था कि बिग रिवर्सल हो सकता है इस जगह से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो कल मैंने वीडियो में क्या बोला जी, मैं आपको इस जगह प्ले करके दिखा देता हूँ। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए मैं वीडियो को प्ले कर देता हूँ, इसको समझ लीजिए, फिर आगे अपन कल की बात करेंगे। बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जल्दी पैनिक होता है, छोटी छोटी कैंडल में इतना जल्दी पैनिक नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ये 50,500 के ऊपर अगर ये निकल जाता है और इसमें हम देखेंगे 30 मिनट का कैंडल, ठीक है। 30 मिनट के कैंडल में क्या देखना है, ओपनिंग नीचे क्लोजिंग इसके ऊपर प्लस में क्लोजिंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, प्लस में अगर जो क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम इसमें अपसाइड का मूवमेंट बना सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग का बिल्कुल वेट रखना है, ठीक है। जो कंडीशन है इसके ऊपर निकल जाता है तो अपसाइड, फिर हमको जो टारगेट देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने ऑप्शन चेन देखा था, डेटा देखा था, फिर इसमें देखिए 50,625, फिर आपका जगह 50,710, फिर आपका जगह 50,835 और फिर इसमें 50,950, ठीक है। इतना ऑलमोस्ट हम इसमें अपसाइड काम करके चल सकते हैं कंडीशन। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट ने काम किया। अब यहाँ पे देखिए चीज़ों को हमको समझना है सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि हम देखिए कहीं पर भी कुछ भी काम करें। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखिए मार्केट में जो आज की तेज़ी की शुरुआत थी वो इस जगह से नहीं हुआ था, वो तेज़ी की शुरुआत आपको यहाँ से देखने को मिला था 16 तारीख से। 16 तारीख को देखिए जब इसमें गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिला था तो ये हमारा जो 1 डे के अंदर देखिए जो हमारा इस जगह साइडवेज मार्केट चल रहा था, ठीक है। 1 डे के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे अगर आप देखो तो इसका ये क्या था, लोअर जोन था, यानी मार्केट वहाँ से गिर चुका था
और जो वन डे का नीचे वाला जो लो था वहाँ पे देखिए लोअर जोन था, ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखो तो वन डे में इस तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका अपसाइड मूवमेंट आना चालू हो चुका था। अब जो कल के दिन देखिए हमको जो सेलिंग देखने को मिली थी यानी 19 तारीख को, तो 19 तारीख की देखिए सेलिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ सेलिंग सेलिंग का फ़र्क होता है। 19 तारीख को अगर आप देखो तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे जो आपके बायर थे, इस जगह जो बायर थे वो प्रॉफिटेबल थे, और उसका जो 50% रिटेस हुआ था वो भी कहाँ से हुआ था, जब इसमें गैप देखने मिला था, ठीक है, ये आपका गैप देखने वाला था, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो इसका जो हाई था वो आपका देखिए इस जगह 50,700 के समथिंग हमको हाई देखने वाला। वहाँ से अगर आप देखो सेलिंग आया, फिर अपसाइड आया, फिर सेलिंग आया, फिर अपसाइड आया, फिर सेलिंग आया, और यहाँ पे रेंज बाउंड आपका ओके बंद हो गया था। लेकिन अगर हम देखें तो इसका जो आपका लेवल था ये आपका, उसका 50% ही देखिए इसने क्या किया था, रिटेस्ट किया था, जो ये वाला लेवल था, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट आपका इस जगह 50,300 के समथिंग का था, ठीक है। अब आज क्या हुआ, अगर आप देखो तो ये आपका ये लेवल थे, इसका जो इसने क्या किया था, 50% ही रिटेस्ट किया था, ठीक है, जो आपका ये वाला एक मूव देखने वाला था। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो लो आपको देखने वाला 49,800, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसके हाई की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 50,700, ठीक है। अब 50,700 से जो हमको रिटेस्ट देखने को मिला वो कितना देखने वाला, 50,300, यानी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 400 पॉइंट का आपको रिटेस्ट देखने वाला, ठीक है। लेकिन तेजी कितने पॉइंटों का था, ऑलमोस्ट अगर यहाँ से अगर आप देखोगे इस जगह तक, ठीक है, इस जगह तक अगर आप देखो तो कितना तेज़ी हमको देखने को मिला, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 1,000 से लेके 1,100 पॉइंट, अगर 1,000 से लेके 1,100 पॉइंटों की हमको तेज़ी देखने को मिलती है और 400 पॉइंटों का रिटेस्ट देखने को मिलता है तो वो सेलिंग नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे देखिए आज जो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देखने वाला, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे देखिए इसका जो ब्रेकआउट हुआ है, देखिए ये वाले लेवल का क्या देखने वाला, ब्रेकआउट देखने वाला। जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ जो मैंने आपको बोला था 50,500 का, तो वहाँ से अगर आप देखो तो वहाँ से पूरा जो आपका पैटर्न के साथ देखिए अपसाइड यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए लास्ट में सेलिंग क्यों आया उसको भी थोड़ा समझते हैं, फिर बाद में अपन बात करेंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ये पूरा मार्केट आपका अपसाइड हुआ तो ऊपर की साइड अगर आप देखो तो ऊपर की साइड जो आपको एक प्राइस देखने वाला है जो आपका 51,000। अब ये जो प्राइस है ये साइकोलॉजी प्राइस है, ठीक है, क्योंकि कल के दिन क्या है, कल के दिन आपकी एक्सपायरी भी है, ये चीज़ें आपको रखना है ध्यान में। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका इसको टच करके आपका सीधे सेलिंग आया, यहाँ पे अगर आप देखो तो देखिए फर्स्ट अटैम्प इसने यहाँ पे टच किया, फिर सेलिंग आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर टच किया, फिर सेलिंग आया, और यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर एक पैटर्न बनाया, देखिए प्रॉपर एक पैटर्न बनाया। मैं आपको क्या बोलता हूँ, डेटा और पैटर्न, अगर आप ये दो चीज़ों पर काम कर लोगे तो मार्केट आपको पैसा देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लोगों के एसएल कहाँ पे हिट हुए, जिन लोगों ने देखिए यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश किया होगा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश किया होगा, फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका जो 50,900 वाला जो प्राइस है, जब तक ये नीचे ब्रेक नहीं हुआ, जैसे ही इस कैंडल में ब्रेक हुआ तो आपका जो पूरा सेलिंग आ गया, ठीक है। तो पैसा मार्केट में किसने बनाया, ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पर जो आपका मूवमेंट था, हमारा तो व्यू क्या था, हमारा व्यू देखिए तेजी के साइड ही था। यहाँ पे देखिए जिसने जो पैसा बनाया वो यहाँ पे जिसने बाइंग किया उसने अपसाइड पैसा बनाया, ठीक है, लेकिन सेलिंग में पैसा किसने बनाया, क्या यहाँ पे जिसने सेलिंग किया उसने बनाया, क्या यहाँ पे जिसने सेलिंग किया उसने बनाया, नहीं, टॉप पे जिसने सेलिंग किया, देखिए स्मार्ट मनी जो होता है वो स्मार्ट मनी पहले ही एंटर करता है, ठीक है, पहले ही एंटर करके चलता है। जैसे ही अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक क्या कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डोजी कैंडल, जो कि कल के दिन डोजी कैंडल बना था, और डोजी कैंडल बनने के बाद आपका थोड़ा रिटेस्ट करके यहाँ पे आपका यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया था। तो जो स्मार्ट मनी थी वो कल ही आपका देखिए एंटर कर चुका था, ठीक है। अब देखिए इसमें हो क्या सकता है, जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताया, जैसे ये अपन देखिए यहाँ पे चलते हैं वन डे वाले चार्ट पे, ठीक है। अब ये वन डे वाला चार्ट है, ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें एक बॉक्स हमको दिखाई दे रहा है, या अगर मैं इसमें देखे या आपको ये ऊपर की साइड एक हमारा देखे इसका हाई जोन हो गया, ठीक है, इसके नीचे अगर आप देखो ये लो जोन हो गया, ठीक है, और एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपका जे वाला जो प्राइस है जो कि आपका 50,400 से लेके 50,000
500 ये वाला जो प्राइस है, अब ये प्राइस क्या हो चुका है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ठीक है मार्केट के अंदर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज की जो क्लोजिंग है, यहाँ पे देखिए आज की जो क्लोजिंग है वो देखिए 5 तारीख से पहले इतनी अच्छी क्लोजिंग हमको देखने को नहीं मिली। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला जो कैंडल था इसने हाई जरूर मारा था, लेकिन इसने इस जगह क्लोजिंग नहीं दिया था। मार्केट में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक आपका जब कैंडल बना है तो वो कैंडल देखिए आपका ओपनिंग तो नीचे कर देता है, लेकिन क्या वो लो के पास क्लोजिंग दे रहा है क्या हाई के पास क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो आपको हाई के पास क्लोजिंग देखने वाला ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इतने दिनों का देखिए आपको जो आज का कैंडल का क्लोजिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हमको देखने वाला ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि अगर ये आपका 50,900 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर से आपको इस जगह ऑलमोस्ट 400 से लेके 500 पॉइंटों का अपसाइड देखने को मिल सकता है। 400 से लेके 500 पॉइंटों के आसपास हम इसमें अपसाइड काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं ठीक है। जिसमें अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो अब जो हमको रेजिस्टेंस ऊपर की साइड देखने मिलेंगे वो इस जगह देखिए ऑलमोस्ट देखिए 51,000 का पहला रेजिस्टेंस होगा, फिर आपका 51,200, फिर आपका इस जगह 51,300 और फिर आपका 51,400 के आसपास के हमको अपसाइड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन हो जाता है या किसी कंडीशन के वजह से देखिए नीचे की साइड मिलता है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, अगर यहाँ पे देखिए आपको नीचे की साइड मिलता है या किसी वजह से सेलिंग आती है तो अब नीचे की साइड देखिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है ठीक है। क्यों सपोर्ट बना है अपन समझते हैं। यहाँ पे देखिए हुआ क्या, क्योंकि जो बायर है वो यहाँ पे देखिए प्रॉफिटेबल है ठीक है। यहाँ से देखिए ऊपर की साइड मार्केट गया, 50% का आपको देखिए यहाँ पे रिटेस्ट देखने को मिला, फिर यहाँ पे देखिए जो बायर हैं जो प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ को नोटिस कीजिए कि यहाँ से देखिए जब जिन ऊपर की साइड जा रहा था तो इसने प्रॉपर देखिए प्रॉपर प्राइस एक्शन देखिए यहाँ पे बनाया था, यानी काफ़ी कम समय तक देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। उसके बाद अगर मैं आगे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो प्रॉपर देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, प्रॉपर देखिए कंसोलिडेट किया ठीक है। यानी एक प्रॉपर देखिए यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बनते हुए दिखाई दिया, जो कि आपका ऑलमोस्ट देखिए 50,400 से लेके आपका इस जगह 50,500, यानी इस 100 पॉइंट की रेंज में हमको देखिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है ठीक है। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो आपका जो प्राइस आपका नीचे की साइड ओपन हो जाता है या किसी वजह से आपको नीचे की साइड ओपनिंग देखने मिलता है तो थोड़ा इस जगह वेट कीजिए, देखिए किसी तरीके का पैटर्न बनने की वेट कीजिए या प्रॉपर देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए। अगर प्रॉपर देखिए प्राइस एक्शन बनता है या आपका देखिए जो 10 से लेके आपका 15 मिनट देखिए इसी जगह कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की साइड निकल जाता है तो यहाँ पे देखिए हम बाइंग साइड जा सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे देखिए नीचे आने के बाद एक आपका देखिए पहले सेलिंग आया फिर बाइंग आया फिर सेलिंग फिर इस तरीके का एक डब्लू पैटर्न का इस जगह क्या करता है ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, तो हम उसमें भी बाइंग साइड जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर देखिए ये आपका अपसाइड जाना चाहता है और अपसाइड के अंदर में देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन को डेटा को अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक प्राइस है जो कि आपका देखिए 50,800 का ठीक है, वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेटा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं स्टाइक प्राइस ऑल कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद इसको क्या कहते हैं एक सेकेंड इसको बैक करने के बाद एंटर करते हैं ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी है जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50,800 ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बन जाता है, या फिर मैं इसके आगे चलता हूँ तो आपको 50,900 ठीक है। यहाँ पर पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो 1,06,000 के आसपास का हुआ ही है और 40,000 के समथिंग का ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है, चेंजिंग दिखाई दे रहा है। टोटल की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 30,00,000 आपको 60,000 के समथिंग का ओवाई देखने को मिलता है जो कि आपको ऑप्शन चेन के अंदर कॉल की साइड ठीक है। पुट की साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ऑलमोस्ट देखिए 1,50,000 आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है या ऑलमोस्ट आपका 1,00,000 के समथिंग ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समझते हैं, अगर ये आपका गैप के साथ ओपन हो जाता है अपसाइड ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे इस जगह मैं आपको दिखा। अब देखिए ये मैंने आपको इस जगह 30 मिनट का चार्ट ओपन किया है ठीक है। अब देखिए 30 मिनट के चार्ट पे आपको क्या समझना है, सबसे पहले
कि ऊपर की साइड जो हमारा गैप था अभी तक वो गैप फिल नहीं हुआ है, ठीक है। और मार्केट में हम किस जगह से बात कर रहे हैं गैप फिल करने के बारे में, इस जगह से जो आपका नीचे की साइड था, क्योंकि काम किस तरीके से हो रहा है इस जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपका पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए जो पूरा आपके बायर थे इस जगह, ठीक है, बायर देखिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, फिर आपका 50% का रिटेस आया यहाँ पे, फिर बायर देखिए यहाँ पे एंटर करते हुए दिखाई दिए, फिर आपका एक अपसाइड देखने वाला, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 40 से लेके 30% का रिटेस आया है, ठीक है। अगर ये आपका गैप के साथ ओपन हो जाता है तो एक चीज़ आप इस जगह समझ के चलिए कि अब इसके अंदर अगर गैप आपका 51,000 के ऊपर देखने बोलता है, 51,000 के ऊपर, ठीक है, छोटा गैप देखने बोलेगा तो उसमें हम वेट करेंगे, उसमें प्रॉपर देखिए प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, या फिर किसी तरीके का पैटर्न बनने का वेट करेंगे, जो कि एन पैटर्न हो सकता है, डब्लू पैटर्न हो सकता है, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर आपको वेट करना है इस जगह, ठीक है। अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है आप जल्दी से इसमें बाइंग मत कीजिए, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 15 से लेके 20 मिनट आप इसमें वेट करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से एंटर मत कीजिए, क्योंकि जब तक ये यहाँ पर देखिए प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा जब आपका ये अपसाइड नहीं जाएगा, और यहाँ पर देखिए इस प्राइस के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। मार्केट आवर्स में अगर इसके ऊपर देखिए आपका ओपनिंग कर देता है और इसके ऊपर ही जो आपका रिटेस्ट करना चालू करता है, ठीक है, तो फिर आप इसके अंदर क्या करके चल सकते हैं, अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। फिर जिसमें अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपका देखिए 51,400 से लेके आपका 51,500 तक देखिए ऊपर की साइड अपसाइड मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरीके से देखिए प्राइस एक्शन बनाता हुआ अभी की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे बिल्कुल बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।